फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा ईद मिलादुन्नबी का प्रिपरेशन पार्ट टू का ब्लॉग है, और इसी के साथ आज मेरी नानी के घर में फातिहा है बरसी की, तो वो भी ब्लॉग है, और मैंने क्या क्या इंतजाम और कैसे की ये ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए, ब्लॉग पूरा एंड तक देखिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं मेरे घर को सजा रही थी, देखिए किस तरह से मेरा घर बिखर के पड़ा है, कितना पसाड़ा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको सेटल करते हुए मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबी सुबह उठने के साथ काम पे, आज मुझे ज़्यादा काम बोले तो घर का ही था, और खाना वगैरह पकाने की मुझे आज टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि आज मेरी नानी की बरसी की पार्टी अभी थी, तो हम लोग ने बाहर से खाना ऑर्डर दिए थे और घर में पकाना भी नहीं था। तो यहाँ पर है ना मैं लग गई थी सुबह उठने के साथ ही काम पे, जैसे कि घर में नॉर्मल हम लोग हमारे घर को सजाते। अभी देखिए जश्न ईद है, मिलादुन्नबी है, तो घर को सजाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं मेरे पिलोस कवर को बदल रही थी, यहाँ पर मैं मेरी बेडशीट्स को चेंज कर रही थी। सबसे चैलेंजिंग टास्क मेरे लिए ना बेडशीट को चेंज करना होता है, क्योंकि मेरे गद्दे पे ना दो बेडशीट डालती हूँ, ताकि बच्चों के ऐसे हमारी बेडशीट और जो हमारा गद्दा है वो गंदा ना हो। मैं सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में ही अपना काम और बच्चों की ये वजह से करती हूँ। तो ये देखिए मेरी कितनी क्लीन वाइट चद्दर है, ऊपर भी गंदी होती तो नीचे भी गंदी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने जो अमेजोन से देखी बेडशीट मंगाई थी वो मैंने आज बिछाई हूँ, तो कैसा लग रहा है मेरा बेड मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसकी लिंक चाहिए तो मुझे वो भी बताना। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी पिलो बदलने, पिलो का बदलने के बाद मैं आ गई हूँ कर्टन्स बदलने के लिए, सॉरी मैंने पिलो बोल दी थी। तो यहाँ पर है ना एक्चुअली मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग एडिट करूँ या नहीं करूँ, जैसे कि आपको एक दिन मिलता है रेस्ट करने वैसे ही मुझे भी मिलता है। तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, फिर भी मैं व्लॉग को सोच रही एडिट कर लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, क्योंकि मेरी खुशियों में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन मैं जो सारी चीज़ें लगा रही है ना, ये सारी चीज़ें हमने ना ऑनलाइन खरीदी है मीशो से, मैं कोई चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ों का लिंक चाहिए ना तो मुझे कमेंट डालिए, मैं आपको सारी चीज़ों का लिंक दे दूंगी। तो ये कर्टन तो मेरा बहुत फेवरेट कर्टन है, बट है ना बच्चे ऐसे मैं ये लगाती नहीं, क्योंकि ये लोग है ना उसे पार देंगे इस वजह से। तो मैं इसके ना ये सिर्फ खास खास ओकेशन पे इसको यूज करती हूँ, और अभी मैंने और एक कर्टन ऑर्डर की, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आएगा। इस बार ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं, मैंने दूसरा ऑर्डर करे इसलिए। और यहाँ पर है ना मैं सारी चीज़ें सेटल कर रही ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और आज के दिन की कैमरामैन बनी है मेरी अम्मी जान, बिकॉज बच्चे ट्यूशन गए थे वो कमी नहीं था, जो मेरा ऑब्वियसली कैमरा बॉय है तो वो नहीं था, तो अम्मी जान ही कहते देखिए। यहाँ पर अम्मी जान भी मेरे साथ प्रिपरेशन में लगे, और इसी साथ ना हमारे बाहर के पैसेज की भी आज साफ सफाई थी बिल्डिंग की पूरी, तो अम्मी जान उसमें भी थी, और ये तो मैंने खुद बनाई, अपने पिछले ब्लॉग में देखे थे मैं प्रिपरेशन करी थी, ये बैरर बनाई थी मैंने, तो बस ये मैं सुई धागे से पूरा के इसको है ना सब नाम के धागे में जोड़ रही ताकि अच्छे से मैं इसको लगा सकूँ। यहाँ पर देखिए अम्मी जान अभी ना इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी जान का काम है, वो वही करते। तो देखिए एक लोग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ये मैंने सच में खुद से बनाई हूँ। आप मुझे ये बताना कि ऐसे ही अच्छा लग रहा था कि मैंने इसको आगे जिस तरह से डेकोर की हूँ वैसे अच्छा लग रहा है, मुझे आप बताना, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो बात को ध्यान में रख के वैसे ही डेकोर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने ये जो कर्टन्स लेकर आई थी ये भी ईद मिलाद के लिए लाई थी, मैंने दो लेकर आई थी मल्टी कलर का,
मुझे चाहिए था अलग अलग कलर के, तो बट वो भैया ने बोले कि एक ही में मल्टी कलर आ रहा है, तो अलग अलग कलर के क्यों ले रहे हो आप? तो मैं बोली चलो वो भी बात सही है कि अलग क्यों लेंगे, इसके लिए मैंने मल्टी कलर के लाए और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये मल्टी कलर का। बट मैंने दो लाए तो मैंने ना, मेरी वॉल इतनी बड़ी नहीं है, तो मैंने इसके लिए ना इसको एक ही को यूज किया, देखिए इसमें कितने सारे कलर है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉटन, मेरा फेवरेट है ये कॉटन। यहाँ पे देखिए इसका लुक, अभी और भी चीजें इसमें बाकी है, तो अभी और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे। आप लोग एक बार पूरा लुक देखना, मैं यहाँ पर बैठ के बलून भुगा रही, जो सबसे ज्यादा ही चैलेंजिंग है। फिर मैंने यहाँ पर ना तोरण की लाइट लाई थी बल्टी कलर की, वो भी मैं यहाँ पर लगाने के लिए इसे ओपन करी, अम्मी जान तो दो एक में ओपन कर देती यार, मुझे बहुत काम लग रही थी ये ओपन करने के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको आखिर ओपन कैसे करते। और यहाँ देखिए मेरे बाहर का पैसेज किस तरह से पूरा क्लीन है, पूरे जैसे कि पाप धुल गया हमारे बिल्डिंग के। यहाँ पर देखिए मेरी अम्मी जान क्या कर रही है, यहाँ पर अम्मी जान लग चुकी है पूरा, ये सारी चीजों का काम है ना अम्मी जान का रहता है, तो ये सब अम्मी जान देख रहे थे। बाहर पैसेज तो आपने देख लिए, जैसे कि बिल्डिंग के आज पाप ही धुल गए, और ये था पूरा फाइनल लुक। मैंने जो डेकोर की कैसे लग रहा है मुझे बताना, और मैंने आज है ना बाहर वगैरह भी डिस्को लाइट वगैरह लगाई थी क्योंकि अच्छा लगता है। अपने घर को इसी तरह से सजाना चाहिए, हमको जितनी रोशनी कर सकते हैं हमको करना चाहिए। तो कैसा लग रहा है अभी पूरा फाइनल लुक, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गाइस अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग ने किस तरह से आपके घर को सजाए। मैंने तो इस तरह से सजाई और आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी हूँ, और यहाँ पर पूरे घर का फाइनल लुक आप लोग देखिए किस तरह से मैंने बेड रेडी करी, पूरा घर मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह बहुत आला बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से मुझे खुशी मिलती है, जश्न ईद मिलाद नबी है तो क्यों नहीं हम मनाएंगे। इसके बाद मेरी नानी की फातिया थी बरसी की, तो यहाँ पर हमने बाहर से ऑर्डर किए थे दाल गोश्त, जो मेरे तम्बू को खाना था तो बहुत टेस्टी बनाए थे हमारे भटियारे ने भी ये खाना। तो यहाँ पर फातिया होने के बाद में यहाँ पे देखिए फाती का पूरा सेटअप हमने आपी जी के लिए लगा दिए। फातिया होने के बाद में यहाँ पर है ना हमने बहुत सारी मगफिरत की दुआएं करे हमारी नानी के लिए, और अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे। उसके बाद मेरी अम्मी जान हमको सबको खाना खिला रही थी, बहुत नसीब वाले हैं हम। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, और अल्लाह हम सबकी माँ को सलामत रखे जो माँ के हाथों से खाना हमको नसीब हुआ। ऐसी नेमत अल्लाह ने जो हमको दिया, हम अल्लाह का हर पल शुक्र अदा गुजार होना चाहिए। बस इसी तरह से हमारा प्यार अल्लाह अमर रहे अम्मा बेटी का। उसके बाद में ना मैं खाना खाती अम्मी जान खिलाने के बाद भी पेट नहीं भरा तो मैं खुद से ही खा रही थी। उसके बाद रात में ना हमने सडनली हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग अलग डिश हम लोग खाएंगे, तो यहाँ पर अम्मी जान ने मुझे चिकन ला कर दिया और बोले कि इसका कुछ बना दे, तो मैंने बना दिया इसका चिकन 65, जो मेरे शोहर जी की सिग्नेचर डिश है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैं मेरा चिकन 65 फ्राई करी, उसके साथ एक और मेन चीज है जो मेरे शिवर जी की, वो भी सिग्नेचर डिश है। तो वो डिश ये है ढाबे का चना, ढाबे का चना तो हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट है, और ये मैं आए दिन अभी घर में बनाने लगी हूँ। शोहर जी ने मुझे एक बार रेसिपी बनाए तो मैं उसके बाद बनाने लगी, और इसके बाद मेरी अम्मी जान की सिग्नेचर डिश बना रही हूँ जो है रशियन कटलेट, वो जो हमारा हमारे के सभी का फेवरेट है। लोग भटियारे का खाना पसंद करते बट मैं मेरी अम्मी जान के हाथ का खाना पसंद करती हूँ गर्म। और ये जो नीचे का पैसेज का है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे यंग जनरेशन ग्रुप के बच्चे लोग ने ये सारे एहतमाम किए थे, और माशाल्लाह तबारकअल्लाह बहुत खूबसूरत उसने डेकोरेशन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को कैसा लगा बताना। ये हम लोग की बिल्डिंग के एरिया है जो पूरा डेकोर हुआ है,
और ये काफी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारे बिल्डिंग के जितने भी बच्चे थे हमारे एरिया के, उन सब ने मिलकर ये किए और गरीब नवाज को भी माशाल्लाह सजा दिए। ये ऐसी जीदे लगी, ये हमारा घर है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ हम माँ बेटी की नीचे मस्ती चल रही थी। तो कैसे लगा आज का व्लॉग बताना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं काफ़ी थक गई हूँ आज, बहुत हेक्टिक दिन था मेरे लिए, बहुत काम करी, बहुत सारी चीज़ की जो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोची थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बेहतर मेरे अल्लाह ने किया है। तो कैसे लगा आप लोग मुझे बताना, मिलेंगे आपसे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।